लिए इब्राहिम के लिए, ये लिए येलो में, और इतने सारे कमेंट आते हैं कि आपके हस्बैंड को कौन सा मंथ की लुआया था आपका डोरा के। बस आज जैसे उठे इसको डोरा केक खाना था, इसके ये कार्टून और इसको साथ में ये खाना है। अगर इसमें से आपने चॉकलेट अलग निकाली ना तो मैं दोबारा आपको कभी भी नहीं बना के दूंगी। खत्म करना है, बिस्किट की तरह ऐसे करती है, इसको निकाल के अंदर से चॉकलेट खा लेती है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है और खैर खैरियत से है। तो आज देखो हमारे घर के सामने पूरा रोड बन रहा है, चलो मैं दिखा। ये देखो ये सारा नया रोड बन रहा है, जो भी सारा इस साइड पर खराब था ना, यहाँ से थोड़ा सा खराब था यहाँ से बना कर गए, और यहाँ पर तो पूरा नया रोड ही बन रहा है। और बाकी इस रूम में आज लगेंगे ये कर्टन, बल्कि दोनों के रूम में। ये तो मुस्तफा के रूम के ब्लू, अभी पूरा रूम खाली है ना, जैसे अभी पूरा रूम खाली है, बच्चे अभी गए हुए ट्यूशन, यहाँ पर इनके कर्टन लग जाएंगे। और बाकी इसके अलावा मुझे ये वाले कमेंट आए, जब से मैंने कई बार मुस्तफा के रूम में कारपेट लगाया है और मैंने झाड़ू से सफाई भी की थी, ब्लॉग भी बनाया था उस दिन, तो उस ब्लॉग के नीचे बहुत सारे कमेंट थे कि वैक्यूम ले लें, वैक्यूम ले लें। इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे मुझे मैसेज आए कि आप वैक्यूम ले लें, आपके लिए आसानी हो जाएगी, वरना बच्चे भी ऐसे बीमार हो जाएंगे, कारपेट से जो ना डस्ट और ये जम्स नहीं निकल हो जाती और ये काफी गंदा हो जाएगा झाड़ू से, तो झाड़ू से तो जाहिर सी बात है ऊपर ऊपर से ही बस कचरा निकलेगा। मैं सोच रही हूँ कि हाँ वैक्यूम भी लेते हैं, क्योंकि ये एक दो दिन की बात तो नहीं है कि एक दो दिन के लिए मैंने ये कारपेट लगाया है, और ये नीचे वो वाला है ना फॉर्म भी, और साथ में ना चिपका भी दिए, इजीली जो है ना निकलेगा तो नहीं कि हम इसको चलो निकाल के सफाई कर लेंगे फिर बिछा देंगे। तो इसका फिर यही है कि वैक्यूम लेना पड़ेगा दोनों के रूम का। मुझे ना ये सारा ग्लू से ना चिपका के गया, ये देखो ये पूरा चिपका हुआ है, सेम ऐसा है मुस्तफा के रूम में भी, ये नीचे से ऐसा चिपका के गए हैं। ठहरो, तो मुस्तफा के रूम का भी ये जो नीचे कारपेट है ना, ये पूरा चिपका हुआ है ग्लू से, ऐसा ना मैट काट के यहाँ पर रख के गए थे, तो ये देखो ये चिपका हुआ नहीं था ना, तो ये अभी से ना ये ऐसा होना शुरू हो गया, देखो निकलना भी शुरू हो गया। और ये वाली साइड देखो चिपकी हुई है, तो पूरा ना ये बिछा हुआ है, ये नहीं निकल रहा, इसके नीचे भी नहीं जा रहा। इसके लिए आज मैंने क्या सोचा कि वैक्यूम लेने के लिए मैं जाऊंगी, कोशिश करूंगी आज वैक्यूम लेना। और भी बहुत सारे काम है, मुस्तफा की बर्थडे की हमने तैयारियां करनी है, मुस्तफा का रूम मैंने बनाकर दे दिया है, और कर्टन अभी लगवाती हूँ। अपने हस्बैंड को बोला, मेरे हस्बैंड आए हुए हैं अभी, तो मैंने उनको बोला कि मुझे कर्टन लगा कर दे, वो रमजान देखें पाइप लेना पड़ेगा या फिर इसी पाइप में ही आ जाएंगे। ना ट्यूब लेना है क्योंकि हम फार्म हाउस पे बर्थडे करने वाले हैं, मुस्तफा की बुकिंग हो गई है सब कुछ, तो वहां पे जो है ना फिर बच्चे अपना एंजॉय नहीं कर पाएंगे, तैयार आए थे अंदर स्विमिंग पूल में जा नहीं पाएंगी, वो ट्यूब लेने के लिए भी जाऊंगी, और इनके कपड़ों का भी कुछ करते हैं बर्थडे का तैयारियां। पहले मैं ये कर्टन लगवा लूँ फिर ही मैं यहाँ से जाऊंगी, वरना कर्टन हमेशा रह जाते हैं। और मैं कब से आपको आवाजें ही दे रही थी, मुझे? हाँ अभी कपड़े चेंज करोगे, आपकी लाइफ तो सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है, यहाँ मेरी लाइफ, यहाँ से भाग के वहाँ जाओ, वहाँ से कपड़े उठाओ। अब कपड़े वहाँ पे भी ले गए थे लेकिन नहाने के लिए यहाँ पर आते हैं। अब आपके दो दो घर हैं लेकिन यहाँ पर नहाएंगे, उधर भी है कपड़े, क्या करूं? दोनों साइड है ना कपड़े, हाँ कपड़े तो दोनों साइड पर है, लेकिन मुझे अभी वो लगा कर देना है, अपने कर्टन लगा कर देना, लगा दूं फिर नहाऊंगा, कर्टन अभी इधर ही पड़े हैं, ठहरो फिर बाद में नहाना, पहले मुझे कर्टन लगा दो। तीन चार दिन हो गए ये पड़े हुए जब से मैं लेकर आई हूँ। इस रूम में जब भी आओ ना, नोबिता आपको यहीं पर दिखेगा सोते हुए, ये ले, रमजान का कद आपसे भी छोटा है, टेबल या कुछ रखना पड़ेगा फिर ही लगेगा। और देखो लग कितना मैचिंग लग रहा है, बहुत प्यारा लगेगा कर्टन लगने के बाद। तो चलो जब तक ये कर्टन लगाते हैं, मेरा आ गया अदरक वाला कावा, यहाँ पे बैठ के मुस्तफा के रूम में ना, ये जो कंफर्टेबल वाली चेयर है, इतना सुकून मिलता है ना यहाँ पर आकर, मैं मुस्तफा की इस चेयर पे ना दिन में एक दो बार तो जरूर आकर बैठती हूँ यहाँ पर, कभी मुझे चाय पीनी हो, अपना व्लॉग एडिट करना हो। सोच रही हूँ कि अपने रूम में ये चेयर रख लूँ, इतनी कंफर्टेबल चेयर, इसमें बड़ा मजा आता है बैठकर। नहीं निकलेगा ये, निकल गया निकल गया। मैं पता है क्या सोच रही हूँ आज, मैं सोच रही हूँ आज से हम ना वॉक शुरू करें, चलोगे? आज से? हाँ चलोगे, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बोल तो दिया, पक्की बात बोल रही हूँ, अब ना हम चला करेंगे वॉक पे। मेरे साथ ना असल में कोई जाने वाला नहीं होता, एक होता ना कि साथ में कोई हो तो फिर, जैसे अम्मी साथ में होती थी तो उसके साथ में वॉक करती रहती थी उनके, तो अभी अब चलो आपका पेट, मुझे इतने सारे कमेंट आते हैं कि आपके हस्बैंड को कौन सा मंथ चल रहा है, मैं सच बता रही हूँ आपका पेट बहुत बढ़ता जा रहा है। बोलो लास्ट, लास्ट मंथ चल रहा है, खुशी आने वाली है। ये देखो मेरे हस्बैंड ने इतना जल्दी जल्दी कर्टन लगा भी दिया, अब देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, लेकिन थोड़े से छोटे हो गए और नीचे होते ना शॉर्ट कर दिए, मैंने लेंथ तो पूरी बताई थी, ये सही लग रहा है,
नीचे ज्यादा फोल्ड कर दिए, वैसे कलर प्यारा लग रहा है मुझे तो, कलर तो अच्छा लग रहा है। मुस्तफा आए तो मुस्तफा बताएगा कैसा लग रहा है। यहाँ से ये देखो ऐसे हो जाएंगे और यहाँ से कुछ ऐसा लग रहा है, सही लग रहा है। अच्छा है ना, खूबसूरती आ गई है थोड़ा सा। तो चलो अब रहेगी मुस्तफा की बस स्टडी टेबल, वो जब लग जाएगी ना यहाँ पर तो मुस्तफा का रूम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दोपहर के खाने की तैयारी, और बस मेरे हस्बैंड ने ना एक रूम का पर्दा लगाया और दूसरे रूम का बस कहते कल लगा कर दूंगा आधा। और मैंने आज ना सुबह से रोटी नहीं खाई, मैंने सोचा कि रोटी छोड़ कर देखती हूँ शायद थोड़ा वजन कम हो। मुझे लेके चला, मैं पक्की हो गई अब नहीं दे रही अली मम्मी। वो कह रही, वो कह रही हलीमा मेरी अब खुद संभालो अपने बच्चे। वो कहती है वो आ भी नहीं रही, वो हलीमा नहीं ले आ रही थी। मैंने कहा ऐसी वो हो गई खुद आ भी नहीं, बाजी कौंसर भी नहीं आने दे रही उसको। आज तो इसको मैंने रोका, वरना ये बाइक पे जा रही थी रमजान के साथ कि मैं हलीमा को खुद लेकर आती हूँ। और देखो ये मेरा दोपहर का खाना, इसमें मैंने एक मैंने खीरा डाला है और एक छोटी प्याज बारीक कट करके डाली है और दही है। यहाँ पे बैठ के अपना ये खाना खाते हैं। मेरे हस्बैंड गए हैं बच्चों को ट्यूशन से वापस लेने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा हेयर स्टाइल बना कर इधर दिखाओ। मम्मा चलते हैं, या ग्रीन वैली टीचर कह रही थी कि वहाँ पे वो स्विमिंग के लिए ट्यूब्स नहीं होती वो मिल जाएंगी। अच्छा ऐत की अभी न्यू कॉपी आएंगी, कॉपी खत्म हो गई है स्टार। नहीं जाना फिर मम्मा, हम ट्यूब लेने जाएंगे। क्या ले जाओ? ये है इसका अभी का ट्यूब पड़ी है दो तीन मोटरसाइकिल में। पापा वो पापा को तो जरूरत नहीं, पापा का पेट में। आपको स्विमिंग पूल में ना ट्यूब की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ट्यूब आएगी नहीं आपको, तो सही से लिख पाती है ना। आगे वाला देखो आओ आए तब की ब्रेड तो बहुत प्यारी बनाई है टीचर ने। अब ये डेली मुझसे बाल नहीं बनवाती, कहती है टीचर से जाके बनवाऊंगी। अनीता ना बाइक पे जाने वाली थी, मैंने उसको रोका, हलीमा को लेने के लिए जा रही थी। हाँ जिसकी अब ना मैंने कहा अब ना हलीमा को ले आओ, ऐसा ना हो कि आगे ना इनकी लड़ाई हो पड़े। मैं ये कौशर की और इसकी लड़ाई ना हो पड़े। ना रोकती तो आज ये नहीं कल सुबह साजिद भाई लेके आएगा तो रिलैक्स हो रही है। हाँ रमजान कहते हैं वहाँ पर वो मूवियाँ देख रही है उसके मोबाइल पर कौशर के। आज देखो मैंने अपने नए जूते निकाल कर पहने हुए, मैंने लिया था स्टाइलो से और ये है भी काफी ज्यादा सॉफ्ट ना और कम्फर्टेबल। फूल देखने आई थी, चार चार फूल एक साथ खिले हुए हैं, यहाँ पर भी तीन निकले हुए हैं। मुस्तफा के बर्थडे का केक ऑर्डर देने के लिए, और यहाँ पे रोड देखो काला काला हो गया ना, ऐसा ही रहेगा इसका कलर। टुकड़े टुकड़ों में बना, क्यों पूरा क्यों नहीं बनाया कि साथ साइड पर तो पूरा नया बना, ये पूरा एंड तक बना हुआ है ये वाला, और ये घर अभी तक सेल पे लगा हुआ है। चलो पहुँच गए, यहाँ से पता करते हैं कि इनके स्विमिंग पूल वाली ट्यूब मिल जाए यहाँ पे। ये नीचे सारी लगी हुई है स्विमिंग पूल वाली ट्यूब। आए तो ये देखो आपके लिए कौन सी ट्यूब लें, ये वाली, ये देखो ये वाली पूल बना हुआ है। ये मामा यूनिकॉर्न भी है, यूनिकॉर्न वाली नहीं, ये वाली ले लो ये सही है, ये के लिए। हाँ ये कोको मेलन की फैमिली है, उसमें जो जो उसकी बहन उसका भाई। जल्दी आयत को भी लेकर आओ, एक घंटा इन्होंने लगा दिया सिर्फ ट्यूब देखने में, ट्यूब देख रहे हैं हर एक चीज पूरी। इन्होंने ना जो टॉय शॉप की ना सब चेक कर लिया, एक एक चीज की कहाँ पर क्या पड़ा हुआ है। अब मैं थक गई, मेरी टांगों में दर्द हो रहा है इनके साथ। ये दिखाओ, ये इसने छोटा सा क्यूट सा मिरर लिया, पहले भी तैयबा ने कैसा लिया था, अच्छा है तैयबा वैसे ये भी। लग रहा है जैसे इतना ज्यादा रो रहा है। कैसे ये सर दर्द की टैबलेट लिए इतना ज्यादा, पता नहीं आज वो शायद मैं रोटी नहीं, एकदम से रोटी छोड़ी है ना शायद इस वजह से ना सर का दर्द आज दोबारा से शुरू हो गया। हाँ ये आपके साइज का, आओ इसमें आओ बैठो, यूनिकॉर्न आ गया आयत का। ये मेरी ऐसे साइज है। वाह आयत, आयत तो बड़े मजे से स्विमिंग करेगी, वरना सारे जाते हैं और ये रोती रहती है बाहर बैठ के। कलरिंग बुक के लिए इतना रो रही थी, कलरिंग करने का इसको बहुत ज्यादा शौक है, इसके अभी खत्म हो गए थे तो मैंने काफी दिनों से ना अभी लिया नहीं था। आज जैसे मैं लेकर आई तो आती पहले इसने इसमें कलर किए, सारी हवा निकाल के फिर दोबारा से पैक करके रखना भी है इसको, नहीं हवा भरो अभी फिर सारा खाली करना पड़ेगा, ये है भी तैयबा का। तो देखो आज इतने टाइम बाद आज मैं अम्मी के बेड पर बैठी हूँ, एक ये ट्यूब लिया है, ये तैयबा ने अपने लिए लिया है उसका पी। बाकी बच्चों ने देखो ये लिए हैं स्टिकर्स तैयबा और आयत के रूम के ना, इनका येलो कलर का बेड है ना तो मैंने सोचा उसमें ना ये वाले स्टिकर ले लेते हैं, तो वहाँ पे स्टिकर लगा देंगे ये बटरफ्लाई वाले बेड पे ना, पूरा प्लेन येलो है तो उसपे ये बटरफ्लाई बहुत प्यारी लगेंगी, तो ये मैंने वहाँ के लिए, वैसे ये ना वॉल पे लगाने के लिए डेकोरेट करने के लिए, ये देखो इस तरीके का है कि वॉल पे भी आप लगा सकते हैं। अलावा बर्थडे के लिए लिया है ये बड़े से दो पार्टी बॉम्बर लिए मुस्तफा के लिए,
ये लिए हमने ब्लू कलर के बैलून हो गए, और ये मैंने लिए है टेबल पे बिछाने के लिए शीट लिए, बच्चों ने लिए अपने लिए कलर, कि ये हो गया बैलून फुलाने के लिए पंप, ये भी बैलून। ये मुस्तफा तो खैर कर सकता है स्विमिंग, है ना, मैं प्रोफेशनल स्विमिंग करता हूं, स्विमिंग कर सकता है, फिर भी इसने देखो ऐसे मजे के लिए कैसे मैं लेटा रहूंगा। ये थी इनकी कुछ बर्थडे की चीजें और बाकी इसके अलावा, और ये सारी चीजें लेने के बाद आगे चले गए थे टेलर के पास ना, और बाकी वहां पर जो है ना बच्चों के कपड़े जो मैंने रमजान में दिए थे ना, बाकी तो मिल गए थे, एक दो सूट बच गए थे वो भी ले आए। सही बार आयत कर, उस पे देखो टसल कैसे लगाए है, टसल थोड़े वजनी नहीं लग रहे बच्चों के हिसाब से। ये इसके साथ की शलवार हो गई, बाकी रमजान बना कर लाया है मेरे लिए चाय। साजिद को बाहर दे दो, बाहर बैठा है। अनीता ऊपर गई है, ऊपर गई बच्चों के पास, गुस्से में तो नहीं थी रमजान अंकल आप फुल गुस्से में है और ऊपर गई, आज मेरा काम भी आधा अधूरा छोड़ के। आयत की कमीज देखो कितनी प्यारी बनी हुई है ना, स्टिच बहुत प्यारी करके दी है, और ये टसल देखो इतने प्यारे लगा कर दिए, कपड़ा भी बहुत अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, पूरा पूरा तो सही है ये मुस्तफा की स्कर्ट बन गई, अपनी बर्थडे के लिए ये ड्रेस ली है स्कर्ट। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसी लगी। क्या हुआ कि ना मेरे सर में दर्द इस वजह से भी हो रहा है, ये जो मैंने रोटी छोड़ी है ना, मैंने ये सोचा कि पहले जैसे मैं शादी में गई थी ना गांव में तो वजन अच्छा खासा कम कर लिया था, अभी ना दोबारा से मेरा वजन बढ़ गया, आहिस्ता आहिस्ता ना भूख बढ़ती जा रही थी, तो मैंने सोचा अब कंट्रोल कर लूं, वरना पहले से मैंने फिर से दोबारा वजन काफी बढ़ा लिया, इतनी मेहनत से कम किया था भाई, रोटी को छोड़ा है तो उस वजह से ये सारे काम वाम बाहर के जो थे वो करती रही, तो सर का दर्द बढ़ गया, अभी टैबलेट लेकर बैठी हूँ, थोड़ा सा आराम मिल जाए। ये रमजान मेरे लिए चाय बना कर आया है, अनीता का भी फुल दिमाग ना आउट हुआ हुआ है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऊपर भागती है बच्चों को देखती है, नीचे आती है नीचे का काम करती है, तो वो कहती है हलीमा को बस बुलाओ मेरा गुजारा नहीं है, अभी भी ऊपर बच्चों के पास गई हुई है। और ये देखो ये तो जब से इनकी चीजें आई है ना, नोबिता भी इनके साथ चीजें देख के खुश है, आयत ने भी सही अपने पापा को पकड़ा हुआ जाने नहीं दे रही, तो नीचे बैठे हुए हैं, देखो आयत सो गई तो चले जाएंगे वरना टाइम तो खैर ज्यादा हो रहा है, अब देखो क्या करते हैं। और इसके अलावा देखो मैं इब्राहिम के लिए भी सूट लाई हूँ, तैयबा के लिए, आयत के लिए भी, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, और ये है भी थ्री पीस में, नीचे ऐसा जिसके ये रोमपर है और ऊपर ये शर्ट हो गई, तो मुझे अच्छा लग रहा था। इब्राहिम के लिए एक मैंने ये लिया है, ये है मैंने आयत के लिए था, तैयबा के लिए, लेकिन तैयबा का इसमें ना साइज नहीं मिला, एक ही मैंने ये लिया है आयत के लिए, मुझे काफी प्यारा लग रहा था। इसके अलावा ना सेम तैयबा और आयत के लिए फिर मैंने इस तरह की शर्ट ले ली, और ये वाला शर्ट का डिजाइन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो तैयबा आयत दोनों के लिए मैंने सेम लिया, अंदर देखो ये व्हाइट इनर है इस तरीके से, और ऊपर ना इनकी शॉर्ट शर्ट है, ये देखो ये आयत की हो गई और ये हो गई तैयबा की, शर्ट के साथ की इस तरह की ये मैंने पैंट ले ली गई और ये हो गई तैयबा की, तो दोनों की सेम पैंट ले ली। मुस्तफा की बर्थडे के लिए ना मैंने इनका कोई फैंसी फ्रॉक नहीं लिया, मैंने इसी तरीके की ये देखो ये इनकी पैंट शर्ट ले ली है, इसमें ये कंफर्टेबल भी होंगी, और इनकी बर्थडे नहीं इनके भाईजान की बर्थडे है, तो उस पे ये कि आराम से ये इजी होंगी ना, आराम से खेलती रहेंगी अपना एंजॉय भी करती रहेंगी, फ्रॉक में फिर ये होता है कि नहीं ज्यादा अच्छे से खेल पाती और डरती है, तो वहां पे स्विमिंग पूल है एक्टिविटीज है, तो ये अपना आराम से वहां सब हर एक चीज को एंजॉय करेंगे। इब्राहिम की तैयबा आयत की तो मैंने ड्रेस ले ली है, अब रह गया मुस्तफा का, तो मुस्तफा का भी मैं ऐसे ही लूंगी पैंट शर्ट, तो देखो वहां पर वैसे बच्चों के तो कपड़े जितना हो कम होते हैं, देखो कौन से, और देखो फिर कौसर कौन सा सूट पहनाती है इब्राहिम को। अनीता ने किचन भी साफ किया या ऐसे भाग गई, ये देखो बर्तन वहीं के वहीं रख के चली गई है, सारा कुछ वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, बाकी तो रमजान ने यहाँ से साफ कर लिया, बर्तन बस वहीं पर पड़े हुए हैं बर्तन। तो आज हमारे घर पे बना हुआ है लोबिया का सालन, ऐसा चम्मच के साथ खाया है, अभी मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कौसर के लिए थोड़ा सा निकाल दो, देखो ये इतना सारा बना हुआ है, मैं तो खैर चम्मच के साथ थोड़ा सा लूंगी, बच्चों ने भी थोड़ा थोड़ा खाया, सबने खाने के बाद भी इतना बचा हुआ है, तो कौसर के लिए मैं थोड़ा अलग कर लेती हूँ। क्या हुआ आपको खाना मुस्तफा कुछ नहीं अभी चाहिए नहीं, या कौसर के घर का और बाकी ये बचा है कल हमारे घर पे इस्तेमाल हो जाएगा, अभी अभी बना और ज्यादा किसी ने खाया भी नहीं है। मुस्तफा ये रख दो फ्रिज में, ये पकड़ो, सुबह स्कूल है आपका, ये मैंने निकाल के रख दिया कौसर के लिए, ये फिर जब आप जाओ तो लेकर जाना, ये जान छोड़ी हाँ ये कहते हैं कहीं नहीं जाने। आयत की चोटी कितनी प्यारी लग रही है, चलो आयत बाय बाय, आयत बाय बाय, चलो आज आयत हम सोते हैं, अभी फ्रिज में रख रही हूँ फिर आप देख लेना, जाओ तो ले जाना। हाय अल्लाह, तो इसको रखते हैं जी, मैं तो आ गई हूँ ऊपर अपना ब्लैंकेट लेकर, आयत और आयत अपने पापा को आज नहीं जाने दे रही, नीचे बैठे हुए अपना, मैं आ गई मेरे पीछे,
इसी के साथ मैं करती हूँ अपना व्लॉग एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। थोड़ी देर के लिए मैंने आराम की है, लेकिन सर का दर्द अभी भी नहीं, जरा बेहतर है, अभी सो जाती हूँ, व्लॉग एंड कर लेती हूँ, फिर सुकून से आराम से सो जाऊंगी। तो अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। और बाकी आज मेरे हस्बैंड भी इधर ही हैं, आज नहीं गए क्योंकि एक तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया था, ऐड भी जिद कर रही थी, नहीं छोड़ रही थी अपने पापा को। ये है कि अभी जैसे जाते तो फिर सुबह सुबह कह रहे थे कि मुझे दोबारा से भागना पड़ेगा बच्चों के स्कूल के लिए, तो मैं इधर ही लेट रहा हूँ। कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। मुस्तफा की बर्थडे की सारी तैयारियां हो गई हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द मुस्तफा की बर्थडे का फंक्शन देखने को मिलेगा, वो भी फार्म हाउस पे। बस कल का दिन है, कल सारी तैयारी हम पूरी कंप्लीट कर लेंगे और फिर चलेंगे फार्म हाउस पे। तो कल मिलूंगी आपको एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। तो जब दूध पीना होता ना, तब ये भाग के मेरे पास आती है, फीडर बनवाए और इधर ही लेट गई है। नाव पर तैयबा आई है और कोई भी नहीं आया है, मुस्तफ़ा भी अपने रूम में है शायद। एक मोबाइल अपने पापा का लेकर आई हूँ, देखूँ जरा सारे कहाँ हैं, सो गए। मैं थोड़ी देर के लिए लेटी हूँ। मुस्तफ़ा की चप्पल तो यहाँ पर पड़ी है, देखो अपनी शर्ट निकाल के आराम से, ये तो सो रहा है। ये देखो तैयबा भी नहीं आई, ये तैयबा भी इधर सोई है और ये भी इधर सा ऊपर आकर सो जाओ ना, यहाँ क्यों सो रहा है? उठो, आए तैयबा, मेरी जाग हुई है, मैं डर गई हूँ, ऊपर आकर सो जाओ, उठो ऊपर, मैं तैयबा को उठा रही हूँ।